सो एवरीवन दिस अली और कैसे बतापाटी आप सभी लोग आज हम लोग बात करने वाले हमारे डिफरेंसेस के बारे में किसके बीच का डिफरेंस देखना है दीदी अब अब देखना है हमें सोप और डिटर्जेंट का बीच का डिफरेंस ठीक है लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन से हम लोग सोप बनाते हैं सोप का क्या फॉर्मूला होता है सी एच थ्री सीओ एन ए ये होता है हमारे सोप का फॉर्मूला आज देखेंगे डिफरेंस क्या होते हैं सोप और एक तरफ हमारे पास डिटर्जेंट देखते हैं हु इज मोर पावरफुल तो लेट्स पहला डिफरेंस होता है यार सोप और डिटर्जेंट के अगर हम लोग बात करें तो सोप क्या होता है सोप वर्क वेल इन सॉफ्ट सॉफ्ट वाटर वाटर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है के अंदर अब यार सॉफ्ट वाटर के अंदर काम करता है तो दीदी ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता है क्या बिल्कुल भी नहीं करता है बीटू मतलब बहुत ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा हो होगा जितने अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट वाटर में काम करता है ना उतने ही बुरे तरीके से ये हार्ड वाटर में काम करेगा अभी बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो गया यहाँ दीदी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से क्या मतलब है आपका बी सॉफ्ट वाटर मतलब वही जो हमारे घरों में आता है ठीक है मतलब हमारे घरों में जो पानी आता है ना जिसको हम पी रहे हैं, जो हमारे यूज करने का पानी मतलब वॉशरूम्स में वगैरह वगैरह ठीक है वन कपड़े धोते हैं वो सभी पानी हमारे सॉफ्ट वाटर के अंदर आता है हार्ड वाटर कौन सा है दीदी फिर कड़क है जो सख्त है जो हाँ तुम्हारा कड़क बिल्कुल हार्ड मतलब यार जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा हो ठीक है मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेन करता हो ऐसे वाटर को बोलते हैं हम हार्ड वाटर कहां पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं हमारे समुद्र में ठीक है समुद्र में जैसा भी पानी होता है ना मतलब जो खारा भी होता है और कैसा होता है हार्ड वाटर होता है या फिर बहुत सारे लोगों के घरों में अभी भी आता है बोरिंग का पानी वो भी हार्ड वाटर हमारा होता है तो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से मतलब क्या होता है मेरा ठीक है डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं कि डिटर्जेंट किस में काम करता है सॉफ्ट वाटर में अच्छे से काम करता है या फिर हार्ड वाटर में अच्छे से काम करता है तो यार डिटर्जेंट का अगर मैंने देखा तो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि डिटर्जेंट तो भाई साहब बहुत ही तगड़ा डिटर्जेंट वर्क्स वेल बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर डिटर्जेंट ने बोला यार मुझे तो कहीं भी रख दो मैं सब जगह बिल्कुल एडजस्ट करने को तैयार हूँ मैं सॉफ्ट वाटर में भी अपना काम अच्छे तरीके से कर दूंगा एज इट इज हार्ड वाटर में भी अपना काम

करे तो यार थोड़ा सा स्लो है है ना तेरा साबुन स्लो है क्या उस तरीके का ये स्लो है थोड़ा सा क्लिनिंग एक्शन में ऐसा नहीं कि स्लो है इसको हम लोग कंपेयर करें किससे डिटर्जेंट से तभी स्लो होगा ठीक है? बिकॉज डिटर्जेंट बहुत ही तगड़े तरीके से सफाई करता है ठीक है का तो इसका पर कपड़ों को खराब भी कर देता है जितने अच्छे तरीके से डिटर्जेंट कपड़ों को धो रहा है ना बिल्कुल उसको रगड़ रगड़ के घिस के सारी चीजें कर रहा है तो पर कपड़े खराब भी हो जाते हैं डिटर्जेंट से बहुत ही बार तुम देखते हो कोई कपड़े एक वॉश के बाद ही खराब हो जाते हैं डिटर्जेंट की वजह से भी कुछ कुछ तो कपड़ों की भी गलती होती है ठीक है लास्ट पॉइंट देखते हैं दे हैव एएनए मतलब ये सोडियम वाला एएनए ठीक है और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड सो इसका मतलब होता है यार सिंपली के मतलब ये एएनए के साथ देखो थ्री सीओ एन ए क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारे सोप का तो सिंपली इसका यही मतलब है ठीक है ठीक और डिटर्जेंट की साइड देखो तो तो दे आर सोडियम ऑफ लॉन्ग चेन बेंजिंग सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड 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 ये होते सोप की बात करो तो फैटी एसिड होते हैं सब अगर तुम्हें ये पॉइंट टफ लग रहा हो तो तुम इस पॉइंट को छोड़ सकते हो एग्जाम्पल्स की बात करो दीदी -दी, आपने बोला था कि एग्जाम्पल आपको लिख कर आना है तो यार एग्जाम्पल मैं तुम सोप में कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे शैंपू होता है हमारा कोई भी शैंपू ले लो उसमें क्या

और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंसेस आप को एग्जाम में भी बिल्कुल तगड़े तरीके से लिख कर आना है। so, video. Video अच्छा तो दैट्स ऑल वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए एक प्यारा सा कॉमेंट ड्रॉप करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज की दे बिकॉज मैं यही अपकमिंग वीडियो में आपके साथ मिलती रहूंगी सो इज यू एजुकेटर ऑफ